राष्ट्र की संपदा को सुरक्षित रखने में CISF की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि एक सुरक्षा बल के रूप में इस संगठन के बहादुर जवानों के कार्य बेहद सराहनीय है। उन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए जवानों को याद कर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी देश के पास युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है और वे आतंकवाद को पनाह देता है। जब आतंक का घिनौना रूप अलग अलग रूपों में प्रकट होता हो, ऐसे में देश की सुरक्षा अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। वे इस समारोह में शामिल होकर वे ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आयोजन स्थल पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने CISF कैंप के परिसर में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि स्वर्ण जयंती के इस महत्वपूर्ण अवसर पर पहुंचने के लिए CISF को बहुत बहुत बधाई। CISF ने एक संगठन के नाते जो 50 वर्ष पूरे किए हैं वो प्रशंसनीय उपलब्धि है। इस बल से जुड़े सभी लोगों ने राष्ट्र की संपदा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है और नए भारत की नई और आधुनिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि CISF में अन्य केंद्रीय बलों की तुलना में बेटियों की संख्या काफी ज्यादा है और इसके लिए वे उन बेटियों का और उनके माँ पिता का नमन और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने में CISF की महत्वपूर्ण भूमिका है। 50 साल तक लगातार हजारों लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया गया है, तब जाकर ऐसा संगठन तैयार हुआ है।